क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मण एक कपड़े का व्यापारी है जो 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को व्यापारी रूप में कपड़े का व्यापार लगाता है। उसी दिन 3 लाख रुपए का खरीदा फैन से खरीदा है ताकि कपड़े चित्र दिखे। फिर सेल्स देरी है 17 लाख की, जिसमें से 7 लाख इसके अंदर शामिल है। कौन सी के सेल्स शामिल है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 क्या है उधार, 7 लाख क्या है आपके रोकड़। परचेज भी आपके टोटल 15 लाख की है, 15 लाख में से 4 लाख क्या है आपके रोकड़ है और बाकी की कितनी हो गई पीछे 11 लाख क्या है आपके उधार है। और सन्धी खर्चे दे रखे 17,000 के, पैसे डूब के बैठे 5,000 रूपए, ड्रॉइंग दे रखी 1,20,000 रूपए, सैलरी दे रखी 2,45,000 रूपए, सब कैश में। तो दुकान से 5,000 रूपए का वो माल ले गया घर पर, तो ये क्या हो गई आपके ड्रॉइंग हो गई। लेकिन ये किसकी है, कपड़े की ड्रॉइंग है, तो आपके कहा आएगा परचेज में से क्या होगा ये लेस। फिर है आपके व्यक्ति पूर्व के लिए 20,000 निकाल गए, तो ड्रॉइंग यहाँ भी दे रखी है, ड्रॉइंग यहाँ भी दे रखी है और ड्रॉइंग यहाँ भी दे रखी, तो ड्रॉइंग कितनी हो गई 1,20,000 यहाँ पर, 20,000 यहाँ पर, 40,000 और 5,45,000 क्या हो गई आपके ड्रॉइंग हो गई। फिर इसने कहा है कि 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं डेटर के, क्रेडिटर के और स्टॉक के, हमें बनाना है एक तो कैश बुक, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ट्रेडिंग पेंडल और क्या बनाना है बैलेंस सारे बनाना है। आप लाभ आने नहीं पूछा है, सारे अकाउंट पूछे हैं आपसे, वही है हर एक चीज को कितना लिखना है आपको, दो बार सवाल पूरा हो जाएगा। जगह मालूम होनी चाहिए कौन सी जगह कहाँ पर है, हर एक एंट्री दो बार लिखनी, या तो क्या करो आप एंट्री कर दो, एंट्री करने के बाद कितनी बार लिखना है आपको, दो बार लिखना है। नंबर वन से पहले 10 लाख रुपए कहाँ लगाए व्यापार में, एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू क्या आ जाएगा आपके कैपिटल, कितना हो जाएगा आपके 10 लाख रुपए। अब और कैपिटल कहाँ आती बैलेंस शीट, देखो कैश तक एंट्री हुई कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में भी आएगा और कैपिटल में भी जाएगी, तो यह आ जाएगी आपके कैपिटल, कितनी हो जाएगी आपके 10 लाख रुपए, हर एक चीज दो बार। नंबर वन। दूसरा पॉइंट है उसने उसी दिन 3 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री क्या होगी फर्नीचर टू केस, तो मतलब एंट्री फर्नीचर टू केस मतलब टू तो बाई में क्या आएगा आपके फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे बाई फर्नीचर, कितना आ जाएगा आपके 3 लाख रुपए। अब फर्नीचर कहाँ जाएगा, फर्नीचर कहाँ आता है बैलेंस शीट, तो यह आ जाएगा आपके फर्नीचर, फर्नीचर कितना आ जाएगा आपके 3 लाख का। अगला पॉइंट ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेल्स, सेल्स कहाँ आती है ट्रेडिंग पीरियड में, बैलेंस शीट आती है कहाँ आती है ट्रेडिंग अकाउंट आती है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय सेल्स, पूरी लिख दो कितनी लिख दो पूरी कंप्लीट कितनी है 17 लाख की, यहाँ तो 17 लाख आएगी कंप्लीट आपकी। अब 17 लाख में देखो आप दो तरह की परचेज है, देखो अगर अगर इसकी एंट्री करें तो इसकी एंट्री क्या होती है आपके कैश अकाउंट डीआर क्रेडिट, अगले का नाम तो राम या मोहन अकाउंट डीआर टू क्या आ जाएगा आपके सेल्स, ये एंट्री होती है, तो कैश के अकाउंट में क्या आएगा टू सेल्स, ये आएगा आपके टू सेल्स, लेकिन कौन सी आएगी कैश वाली, कैश में आएगी कैश वाली कितनी है सर 7 लाख आपके यहाँ आ गया। अब उधार वाली जिसको माल उधार बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, तो क्या आएगा आपके डेटर अकाउंट में, ये रहा डेटर अकाउंट और यहाँ क्या जाएगा आपके टू सेल्स, कितना आ जाएगा आपके 10 लाख का। अब देखो 17 लाख हमने किए सिया, 17 लाख हमने क्या कर दिए दिया, खाता हो गया क्लोज, एंट्री आपको आए तो आराम से खाता में लिख सकते हो। फिर उधार परचेज भी है, तो यहाँ क्या आएगा आपके परचेज, परचेज कितनी दे रखी है आपके 15 लाख की, वो अंदर लिखेंगे, मैंने भी बताया था यहाँ पर उसने दुकान से बाहर क्या लिया कपड़ा लिया इसलिए यहाँ यही आएगा आपके। अब 15 लाख आ गया आपको टोटल कंप्लीट, अब 15 लाख की एंट्री कैसे होगी, एंट्री करें तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश और टू अगले का नाम राम मोहन सोन जो भी नाम है, तो ये परचेज टू कैश, ये कैश अकाउंट में कहाँ आएगा आपके बाई में, ये टू है तो देखो परचेज हमने मान लिख दिया, परचेज कहाँ चला गया ट्रेडिंग चला गया, तो अब ये टू मुझे किसमें आएगा बाई में, दिया आ जाएगा आपके बाई परचेज, परचेज कितना किया आपने रोकड़ परचेज, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में कैश करते हैं कैश, लेकिन दे रही आपके 4 लाख। अब उधार तो आएगा उधार, उधार किसको देते हैं क्रेडिटर को देते हैं, तो यह आएगा आपके बाई क्रेडिटर, क्या नाम है बाई परचेज, ये हो जाएगी आपके 11 लाख। हमने 15 लाख लिखे डेबिट साइड में और 15 लाख लिखे हमने क्रेडिट साइड में, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यार सन्डरी खर्चे,
खर्चे का आता सैलरी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है पेनल में आता है एंट्री का एंट्री क्या होगी आपके सैलरी टू क्या आ जाएगा आपके कैश ये टू में आएगा बाई ये क्या आ जाएगा बाई सैलरी एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा आपके 70,000 रुपए अब आपको ये टू में ये बाई में अब ये सैलरी बाई में आ गया अब ये टू में आएगा टू में कहाँ आएगा देखो ये खाता कहाँ जाएगा आपके पीएनएल में कहाँ जाएगा ये पीएनएल में तो पीएनएल अकाउंट गया तो क्या होगा सैलरी एक्सपेंसेस तो पीएनएल टू सैलरी एक्सपेंसेस तो ये आ जाएगा आपके सैलरी एक्सपेंसेस हर एक एंट्री को दो बार लिखना है कितना देर का है आपके 70,000 पर्चे जो आया उसका मैं तो ट्रेडिंग बिलिंग एंट्री हो जाएगी आपके ट्रेडिंग टू परचेज बाई में तो टू चला जाएगा टू परचेज जाएगा ये भी कंप्लीट हो गया ये भी कंप्लीट अब बेटर्स अब बेटर कहाँ आता है बेटर और कहाँ है एक तो आता है आपके पीएनएल ये या इस साइड में बेटर्स कितना देर का है आपके 5,000 और बेटर कहाँ आता है डेटर में कहाँ आता है डेटर अकाउंट वो इधर आता है क्योंकि पैसे डूब गए तो डेटर में क्या आएगी कमी आएगी डेटर यहाँ से बढ़ते हैं उधर से घटते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके बाई बैड डेट्स बैड डेट कितना हो गया आपके 5,000 ये भी कंप्लीट हो गया अब है ड्राइंग अब ड्राइंग कितने हुआ आपके अब ड्राइंग कहाँ आती है यहाँ पर आती है अब ड्राइंग तीन तीन ड्राइंग है वो बाद में लिखेंगे ड्राइंग देखते हो यहाँ पहले कैश में ड्राइंग दो दो है यहाँ भी है ड्राइंग यहाँ भी है तो ड्राइंग बाद में लिखेंगे बस सैलरी दे लो पहले सैलरी एंट्री क्या होती है सैलरी टू कैश तो कैश में टू है तो शाम बाई में क्या आएगा सैलरी यह आ जाएगा आपके बाई सैलरी सैलरी दे रखा है आपके 2,45,000 और सैलरी हम यहाँ लिख देंगे टू सैलरी पीएनएल लिख देंगे कितना है 2,45,000 अगला पॉइंट है आपके सैलरी हो गया अब ये क्लोजिंग बैलेंस दे रही है लिख लो हर चीज दो बार लिखना है तो देखो डेटर क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ आएगा डेटर डेटर कितना दे रखा है आपके 5,65,000 यहाँ देंगे 5,65,000 क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है डेटर अकाउंट बैलेंस शीट यहाँ देंगे बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 5,65,000 और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिटर कहाँ आता है यहाँ पर आएगा क्रेडिटर क्रेडिटर कितना दे रखा है आपके 3,60,000 क्लोजिंग बैलेंस है तो और कहाँ आएगा क्रेडिटर अकाउंट और यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,60,000 और क्या दे रखा है स्टॉक स्टॉक आपके दो जगह आएगा एक स्टॉक यहाँ आता है आपके स्टॉक का तो पॉइंट आपको मालूम है और डेट पहले पांच स्टार्ट है वही पॉइंट है स्टॉक कहाँ दो जगह आता है कहाँ आता है एक तो बैलेंस शीट में आएगा यहाँ पर 6,50,000 और एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक ये कितना दे रखा है आपके 6,50,000 ये कंप्लीट अब ड्राइंग ड्राइंग होती है अब ड्राइंग देखो एक ड्राइंग की थोड़ी सी अलग है 5,000 उसमें क्या कपड़ा है तो मतलब माल गुड्स गया है तो क्या करेंगे हम लेस करेंगे यहाँ पर ड्राइंग कितनी है 5,000 तो कितना हो जाएगी 14,95,000 अब बाकी के दो ड्राइंग कैश में देखो उधार है तो माल में से लेस हो गया अब कैश में है तो कैश अकाउंट से लेस हो गया यहाँ पर तो भाई क्या आएगी आपके ड्राइंग 20,000 तो ये रही और 1,20 ये रही कितने हो गए आपके 20 तो ये है और 1,20 वो घर पर ले गया कैश और एक तो चुनिंदा हो गया आपके 1,40,000 एक चालीस का हो गया और कहा आती ड्रॉइंग में से लेस होगी तो लेस करेंगे ड्रॉइंग कितनी 1,45,000 ये वाला अमाउंट और ये वाला सब मिलाकर कितना हो जाएगा आपके 1,45,000 ये माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा आपके 8,55,000 इसमें ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जब आएगा तब ऐड कर लेंगे और पॉइंट कौन सा है आपके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए अब सबसे पहले खाते ये बंद करें क्रेडिटर डेटर सबसे पहले बंद करते हैं बिल पेबल बिल रिसीवेबल नहीं है तो कौन सा बंद करते हैं डेटर और बिल रिसीवेबल ये बंद करो ये कितना होता है आपके 10,00,000 ये भी कितना करते 10,00,000 में से 5,70,000 पीछे कितने बचे आपके 4,30,000 अब यहाँ अंतर से क्या थी बताया हुआ है पहले भी क्या अंतर से आते हैं यहाँ पर आपके क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स आगे आपके यहाँ दो चीज आती है
मैंने बताया था बैलेंस पीडी और सेल्स, और उधर क्या आता है कैश और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे पास है कितना कैश मिला डेटर से वो आएगा, कैश ये रिसीट फॉर्म डेटर है। तो ये बाई में हर एक चीज दो बार लिखनी है, ये बाई में दिए कहा आ जाएगा, यहाँ पर आपके टू में आ जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे हम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला आपको 4,30,000 में। अब ये एक और बंद करेंगे, इसमें देखो आपके ये कितना होता है आपके 11,00,000, यहाँ भी कितना कर दो 11,00,000 कर दो। अब 11 में से गए आपके पहले तीन कर दो 8,70,000, 7,40,000, ये क्या आएगा कैश इधर भी, क्योंकि इधर आता है पच्चे तो बैलेंस पीडी, इधर आता है कैश और बैलेंस शीडी, तो यह आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर या कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को। टू में ये क्या आएगा आपके बाई में, यहाँ क्या हो जाएगा आपके क्रेडिटर 7,40,000। अब खाता बंद होगा ये वाला, ये अकाउंट बंद करो। अब ये कितना होता है आपके 3 और 4 7 7 और 2 कितने हो गए 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और आपके 7 18 18 18 और ये कितने हो गए आपके 18 80 18 80 और 19 20 80 और ये कितना है 15 80 तो कितने हो गए 95 18,95,000, यहाँ भी कर देंगे हम 18,95,000। अब ये कितना होता है 10 और 7 17 और 4 कितने हो गए आपके 21, उल्टा जोड़ लिया, ये है 21,30,000, यहाँ कितने आएंगे आपके 21,30,000 आएंगे, और ये 18,95,000 माइनस कर दो 0,0,0, ये हो गया 5 और 14 में से 9 गए 5, हाँ 14 में क्या 12 में से 9 गए 3, ठीक है 3 फिर विजय में क्या 2 आ रहा बोला कहते था, ये आ जाएगा आपके बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा आपके 2,35,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है, हर एक दो बार आती दो दो बजे और कहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पर लिखेंगे कैश कितना 2,35,000। फिर अब यहाँ आपके 17 और 6 कितने हो गए 23,50,000, यहाँ में कितना कर देंगे हम 23,50,000, तो यहाँ कितना बचा है आपके 55 और फिर आपके कितना है 22, 22 में से गए 8 रतन आ रहा है, 8 रतन क्या हो गया आपके ग्रॉस प्रॉफिट। हर एक चीज कितनी बार आएगी आपके 2 बार आएगी, अब और कहाँ आएगा इधर बाई आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 8,55,000, ये यहाँ ले देंगे 8,55,000, ये यहाँ ले देंगे 8,55,000, और अंतर से क्या आएगी आपके नेट प्रॉफिट। अब 2,50,70,320 घटाओ 8,55 में से तो कितना आएगा 5,35,000, ये यहाँ जोड़ लेंगे 5,35,000। अब 5,35,000 ये कितना हो गया 8,5 ये 0 ये 9 और 8,5 13 13,00,000 कितना हो गया आपके 90,000, 13,90,000 और 3,60,000 13,30,000 17,50,000 आ रहा है, यहाँ भी देखो यही अस्तर बता रहा है आपके 3,565 कितना हो गए 1,00,000, 5 और 2 7,00,000 और 8,00,000 हो गए 8,00,000 3,11,000 11,00,000 कितना हो गया 17,17,50,000, ऐसे करना है।